बोला, इतना कंटेंट है ये चीजें, जो मुझे लगता है इतना कंटेंट है कि एक मानव को खुल के जीने के लिए जो एक व्यास चाहिए, जो एक एरिया चाहिए, वो भी इस्लाम प्रोवाइड नहीं करता है, या उनकी जो आइडियोलॉजी है वो प्रोवाइड नहीं करती है। और इसका एक एग्जांपल देखिए, सेम सिचुएशन क्रिश्चियनिटी में थी। जब क्रिश्चियनिटी ने ये बोला कि भाई चर्च को और पॉलिटिक्स को अलग करो, यानी चर्च का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा पॉलिटिक्स में, तो कितने तेजी से वो राइज कर गए। 100-200 साल में सारी इन्वेंशन कर डाली, सारे दुनिया के वो वर्ल्ड लीडर बन गए हर मामले में, मिलिट्री से लेके सारी चीजें। और इसका एक सबसे खास एग्जाम्पल देखिए, हमारे यहाँ सनातन में ये बात गौर करने वाली है हाँ कि इस्लाम वर्ल्ड लीडर तब था जब वो इस्लाम को फॉलो करता था स्ट्रिक्टली कि भाई गर्दन काटो, समय गया। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन लोग वर्ल्ड लीडर तब बने जब उन्होंने धर्म को समाज से और इससे जो है सत्ता से यानी राजा से अलग कर दिया। हम वर्ल्ड लीडर कब थे आपको पता है? हम वर्ल्ड लीडर तब थे जब सत्ता का, समाज का और धर्म का एक बेहतरीन मिश्रण और संतुलन हमारी जिंदगी में था। जब राज सत्ता में धर्म की दखलंदाजी थी, जब राज सत्ता धर्म के हिसाब से चलती थी, तब हमने चक्रवर्ती सम्राट पैदा किए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और बहुत सारे हैं। जब धर्म का हस्तक्षेप राज सत्ता और पढ़ाई लिखाई में था, आश्रमों में था, तब हमने शून्य की खोज की, हमने दशमलव की खोज की, हमने अनंत यानी इनफाइनाइट की खोज की, हमने कृत्रिम बर्फ आइस की खोज की, हमने बटन की खोज की, हमने शैंपू की खोज की, हमने काजल की खोज की। अगर मैं गिनाने लगूं डे टू डे लाइफ में, हमने मूर्ति कला की, हमने नक्षत्रशाला स्थापित किए, जो कैलकुलेशन आज हम सेटेलाइट से करते हैं टाइम और डिस्टेंस का, वो कैलकुलेशन हम तब करते थे जब हमारा धर्म हमारे विद्यालयों में एकदम से उसके सिद्धांतों पे, हमारे विद्यालय और राजकीय सारे काम हमारे धर्म के सिद्धांतों पे चलते थे। ये पॉइंट बहुत नोट करने वाला है। मैं इसीलिए कई बार बोलता हूं कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो वो सिस्टम आपको वापस लाना होगा कि सनातन धर्म या यहाँ के जो धर्म है, इस भारत भूमि के जो धर्म है 3-4 नेचुरल, उनको राज सत्ता में आपको प्रवेश दिलाना पड़ेगा, सरकार में और संसद में प्रवेश दिलाना पड़ेगा। और ये गारंटीड है, अगर ये हो जाएगा ना, ये बंदरबांट जो हम भी आरोप लगाते हैं, आप भी आरोप लगाते हैं कि जी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, फलाने समुदाय ने आरोप लगाया कि जी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वो किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। और इसमें एक चीज और बता दूं, सनातन धर्म अगर जैसे भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाए, बहुत सारे लोग बोलते नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने का मतलब ये नहीं होगा कि अल्पसंख्यक या दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई नुकसान होगा, वो और ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारे धर्म की संकल्पना में ये बोला गया है कि जो संख्या में कम है, जो कमजोर है पहले, मतलब अगर हम ये देखें भाई, मानव के हिसाब से देखा जाए, मानव को आप बाद में करिए, जो निरीह जानवर है पहले उनको, ये जो परंपराएं हैं कि गर्मी में चिड़ियों को पीने के लिए पानी रख दीजिए, कुछ दाना आप फेंक दीजिए, तालाब में मछलियों को आटा की गोली खिलाइए, ये बताता है कि आप मानव तो सक्षम है, अपना प्रवाह कर लेगा, परवरिश कर लेगा, लेकिन ऐसे अक्षम जो निरीह जानवर है उनकी भी सेवा करिए, उनकी भी मदद करिए। तो ये फैक्ट को समझना जो है बहुत जरूरी है, और इस सिद्धांत को प्रतिपादित करना बहुत जरूरी है अगर भारत को विकास करना है। और दूसरा एक लॉजिक बोलता हूं कि क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र या सनातनी राष्ट्र होना चाहिए। आप भारत के इतिहास को उठा करके देख लीजिए, जब भारत सोने की चिड़िया थी यानी विकास चरम पे था, जब हम विश्व गुरु थे, तो उस वक्त सोसाइटी में जो सिद्धांत थे, जो पैरामीटर थे, आप उसी सिद्धांत को फिर से लागू कर दीजिए, थोड़े दिनों में बन जाएंगे। डेफिनेटली उस वक्त आश्रम सिस्टम था और धर्म का पूरा प्रभाव राज सत्ता पे था, न्याय व्यवस्था में धर्म के हिसाब से चलती थी, तो इस चीज को समझना। अच्छा, दुर्भाग्य से इस पे कोई डिबेट नहीं होती है, लोग ठीक तरीके से इन चीजों को लॉजिकल वे में प्रतिपादित भी नहीं कर पाते हैं, पब्लिक के सामने रख भी नहीं पाते हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। ये मुझे लगता है आपने इसका निचोड़ सारी बातों का किया, जाते जाते एक रैपिड फायर में खेलता हूँ वैसे तो, लेकिन आपके साथ मैं एक सीधा सवाल, क्या आपको लगता है जिस तरीके से मुरतद हो रहे हैं लोग, यानी कि इस्लाम छोड़कर जा रहे हैं, लगातार पूरे विश्व में इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा ही चला तो इस्लाम
कि ना मानने वाले इतने बढ़ जाएंगे कि इस्लाम खत्म हो जाएगा? क्या ऐसा होगा आने वाले दिनों में, यह स्वतः समाप्त हो जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है क्या? डॉक्टर देखिए, आप तो खुद मुमीन है। हाँ, मुमीन मतलब जो बहुत जानकार होता है। तो मैं ये किसी भी धर्म का, या एक ये प्राकृतिक नियम है, साइंस का भी ये नियम है, जिस चीज में ये पूरी सृष्टि और सृष्टि के अवयव यानी यूनिवर्स किसी फोर्स के प्रभाव में ये नहीं रह सकते हैं, ये इनको चाहिए स्वतंत्रता। किसी भी धर्म में उनकी जनसंख्या कितनी भी हो, अगर उनको सफोकेशन महसूस होती है तो वो बदलाव आना निश्चित है। जो चीज आपने अभी बोले कि इस्लाम को छोड़ने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है, तो उसके पीछे एक कारण ये है कि कहीं ना कहीं उनको सफोकेशन वहां पे महसूस हो रहा है, इसके कारण लोग छोड़ रहे हैं, और उस सफोकेशन से वो आजादी चाहते हैं। जब आदमी को सफोकेशन से आजादी चाहिए, जो उदाहरण मैंने शुरू में दिया, घर से आप टाई वही पहन के चलिए, दुनिया भर को दिखाइए कि हम बड़े मॉडर्न है, टाई भी है, कोट भी है, ये भी है, 5 लबादे आपने ओढ़े हैं, लेकिन शाम को जब आप अपने कमरे में आएंगे तो आप अपने प्राकृतिक अवस्था में आते हैं, वो सारे लबादे 12 घंटे से ज्यादा आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। नेचर बर्दाश्त, आपका शरीर मतलब नेचर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। नेचर हमेशा नेचुरल तरीके से ही अपने आप को एग्जिस्ट करना चाहता है, और सो फॉर ह्यूमन बीइंग्स भी। तो अभी देखिए, ईरान में बुरके या हिजाब के खिलाफ इतना जबरदस्त विद्रोह चला कि मुसलमान औरतों ने ही अपने जान की बाजी लगा दी। अब वहां पे तो कोई काफिर, मैं या आप तो नहीं थे ना, हमने तो कोई नहीं। खंडित नहीं किया ना कि भाई बुरके पे क्या हो क्या नहीं हो, हमने तो कुछ नहीं बोला। तो ये क्या है, ये सफोकेशन से। देखिए, मानव जीवन, मानव जैसा बुद्धिमान प्राणी और जानवर भी, पूरी प्रकृति अपने आप को नेचुरल तरीके से ही रखना चाहती है, और ये रिवोल्ट होगा डॉक्टर साहब। आज ईरान में हुआ, इंडिया में भी हो रहा है, और बहुत सारे जगहों पे हो रहा है। टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन ये होगा कि जो सबसे सुटेबल उनको लगेगा नियम कानून रिलीजन पंथ, लोग उसको ज्वाइन करेंगे। और यही रीजन है कि जिसको सबसे सुटेबल बेनिफिट मिलता है किसी भी रिलीजन में, लोग माइग्रेट कर जाते हैं। कुछ बेनिफिट चाहे तात्कालिक या लॉन्ग टर्म, जो बुद्धिमान है वो हमेशा आइडियोलॉजिकल और लॉन्ग टर्म बेनिफिट को देखते हैं, जो आदर्शों को देखते हैं। जो लालची हैं, 1 किलो चावल पे बिकने वाले लोग हैं, और जिनके जिंदगी का मतलब यह है कि एक खैरात बोरा में मुझे चावल। एक आंटी, हाँ, वो तात्कालिक फायदे को देखते हैं कि जी मुझे कुछ पैसा मिल गया, नौकरी मिल गई, वो चेंज, और वो जिंदगी भर चेंज करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, अभी किया फिर छोड़ दिया फिर दूसरे में चले गए। सेटिस्फेक्शन उनको कहीं नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है नेचर के साथ ही मिलता है। और यही विवेकानंद ने किया था। विवेकानंद संत बनने के पहले वो मुस्लिम भी बने, सब बने, सब एक्सपीरियंस किया, उनको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अंत में उनको सेटिस्फेक्शन मिला जो प्राकृतिक धर्म है, सनातन धर्म, उसकी शरण में ही आकर। मुझे लगता है अब जड़ों तक वापस लौटने का समय है। अब मैं ये आह्वान करता हूं कि अगर आपको वास्तविक शांति चाहिए, अगर आप कौन हैं ये आपको जानना है, और आप नेचर वाले धर्म पे आना चाहते हैं, और ये धर्म नहीं है, ये जीने का तरीका है, अगर तक उस पुस्तक वापस आना चाहते हैं, तो एक बार शाश्वत धर्म को समझे। शाश्वत धर्म क्या है ये आपको पता है, वो है सत्य सनातन। सत्य है सनातन, सनातन कदापि हिंदू और मुस्लिम धर्म से ना जुड़े। सत्य सनातन का मतलब है जो आदि अनादि काल से चल रहा है, जो एक्ट ऑफ नेचर है, एक्ट ऑफ नेचर तक आई। और आज हमने काफिर की निगाह में इस्लाम और इस्लाम की कहानी, काफिर की जुबानी समझी, और एके मिश्रा ने बहुत बेहतर तरीके से इस सारी चीजों को, सारी बातों को समझाया। और फिर किसी दिन फिर हम बैठेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे को एके मिश्रा जी से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग साथ जुड़े इस मुद्दे पर बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, करते राष्ट्रीय में एक और चर्चा। हाँ ए मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? शुक्रिया जनाब, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।